हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्लेनर रीजियन के बारे में जान लिया, एरियाज़ ऑफ क्लोज्ड फिगर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली, एरियाज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जान लिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारे एरियाज़ ऑफ फिगर का वो भी जान लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ फिगर क्या होगा उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। बट आज के लेक्चर के अंदर हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है, थोड़ा एक और कंसेप्ट पढ़ना है। उस कंसेप्ट के अंदर हमें डिस्कस करना है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। टाइटल लगाइए, बहुत काम का टॉपिक है, आपको समझाऊंगा। फिगर के साथ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, भले छोटा टॉपिक है बट आपको मजा आएगा। चलिए चालू करते, टाइटल लगाइए फिगर्स ऑन द सेम बेस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। साथ में लिखते जाइएगा, क्लियर। इसलिए आपको शांति से ही मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत काम की है। साथ में जितना लिखोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलिए, क्या है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम फिगर, माफ कीजिए, सेम पैरेलल। अब इसका मतलब क्या है समझिए, मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए कि ऐसी फिगर जिसका बेस सेम है और जो सेम पैरेलल यानी कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है ना, उसका जो पहला सम है, पहला ही फिगर है, उसके अंदर हमें ये चीज़ बतानी है कि पैरेलल कौन सी है वगैरह। तो हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कि मेरे पास एक फिगर है, लाइक एक मेरे पास जैसे कि ये ट्रेपेजियम है, चलिए मैंने एक ट्रेपेजियम ले लिया, ट्रेपेजियम को मैं नाम दे देता हूँ PQRS, और उसी के ऊपर, इसी ट्रेपेजियम के ऊपर एक मेरे पास ट्राइंगल भी है, ए। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। कौन सा ट्रेपेजियम है? ट्रेपेजियम है मेरे पास PQRS। अच्छी तरीके से समझना बच्चों, ये टॉपिक बहुत समझने लायक है। एक मेरे पास ट्रेपेजियम है, कौन सा ट्रेपेजियम है मेरे पास PQRS ट्रेपेजियम है, और उसी ट्रेपेजियम के अंदर मेरे पास एक ट्राइंगल भी है। ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास? ट्राइंगल है AQR, क्लियर। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रेपेजियम है PQRS और एक मेरे पास ट्राइंगल है AQR। अब समझना, AQR ट्राइंगल है और ट्रेपेजियम PQRS है। अब हमारा जो टाइटल है उसको जरा देखिए, टाइटल क्या है फिगर, ये दोनों फिगर ऐसी है, ट्राइंगल है और एक ट्रेपेजियम है, दोनों फिगर ऐसी है, फिगर ऑन द सेम बेस। देखो ये दोनों फिगर का एक बेस आपको सेम दिख रहा है, देखिए ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल का भी एक बेस है, ये रहा ट्राइंगल, कोई भी बेस ले सकते हो, लेकिन ट्राइंगल का एक बेस मैं लेता हूँ QR, जो कि एक बेस ले लिया। सेम थिंग ट्रेपेजियम का भी मैंने एक बेस ले लिया QR, ये ट्राइंगल के लिए भी यही बेस है और ट्रेपेजियम के लिए भी यही बेस है। यानी कि कोई भी दो ऐसी फिगर जिसका बेस कॉमन हो, सेम बेस हो, यानी कि कॉमन बेस हो, ये कॉमन बेस हो गया दोनों का। QR जो है इस ट्राइंगल AQR का भी बेस है और QR जो है वो मेरे PQRS ट्रेपेजियम का भी बेस है, यानी कि सेम बेस हो गया, एक ही बेस है और वो एक ही बेस का मेरा क्या है, एक ही बेस के ऊपर बनने वाली ये दोनों फिगर है। मतलब कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन तो प्रॉपर सेटिस्फाई हो गई, क्या ऐसी दो फिगर है जो क्या है सेम बेस के ऊपर है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। बिटवीन द सेम पैरेलल का मतलब क्या, पूरा ट्रेपेजियम है वो दो पैरेलल लाइन के बीच से गुजर रहा है। मैं अगर ऐसे डॉट लाइन करूँ यहाँ से, इधर से भी एक डॉट लाइन लंबी खींच देता हूँ, तो ये दो पैरेलल लाइन जो है उसके बीच में ही दोनों फिगर है ना, ये दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में ही है, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में ही मेरा ट्रेपेजियम भी है, क्या उस ये दो लाइन के बीच में ही मेरा ट्रेपेजियम भी है और मेरा ट्राइंगल भी है, बराबर। यानी कि मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, बिटवीन द सेम पैरेलल। मतलब कि इस दो फिगर के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों फिगर जो है वो सेम बेस और सेम बिटवीन द सेम पैरेलल वाली है।
मैं लिखना चाहूँ कि भाई इसका जो सेम बेस है वो कौन सा है, सेम बेस है, सेम बेस वो कौन सा है, तो सेम बेस है दोनों का कौन सा, क्यू आर। मैं कहूँ कि भाई कौन से दो पैरेलल के बीच बिटवीन है ये, कौन से दो पैरेलल के बीच बीच में है ये, तो पैरेलल एक तो कौन है पी एस और दूसरा कौन है, दूसरा है क्यू आर। तो क्यू आर और पी एस वो दोनों ऐसी पैरेलल लाइन है, वो दोनों ऐसे पैरेलल है, आप पैरेलल लाइन भी कह सकते हो, ऐसे पैरेलल है या ऐसी पैरेलल लाइन है जिनके बीच में ये चीज़ क्या कर रही है, लाई कर रही है। चीज़ क्या है, इसके बीच में ये चीज़ लाई कर रही है। समझ में आई बात, ओके। तो ये आज का मोटिव है, क्या ऐसी फिगर को हमें पढ़ना है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। जैसे भाई मैं यही चीज़ बात करता हूँ, जैसे मैंने एक और फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये नहीं है, थोड़ा समझना। चलिए एक फिगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, लाइक ए बी सी डी एक्स। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ट्राइंगल ए एक्स बी, क्या यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी अगर ट्राइंगल ए एक्स बी के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं, ट्राइंगल ए एक्स बी और ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी और ट्राइंगल ए एक्स बी और ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये दोनों फिगर ऐसी है, क्या ये दोनों फिगर ऐसी है, समझना अच्छे तरीके से बच्चों, ये दोनों फिगर ऐसी है जो फिगर का बेस सेम है। देखिए जरा, ए बी बेस है, इसका भी एक बेस है, ये ट्राइंगल का भी यही बेस है ए बी, मतलब कि इसका मुझे सेम बेस लिखना हो, सेम बेस लिखना हो तो मैं क्या लिखूँ, सेम बेस लिखूँगा भाई ए बी। इसका सेम पैरेलल लिखना हो, कौन से पैरेलल के बीच में है, सेम पैरेलल कौन से बीच में है, तो एक पैरेलल हो जाएगा ए बी और एक पैरेलल हो जाएगा सी डी, उनके बीच में है कि नहीं, सही है ना, सही। तो ये चीज़ दिमाग में आपके बैठनी चाहिए बच्चों। एक और इसी फिगर में आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अगर अगर मैंने एक ऐसी फिगर ले ली है बराबर, और साथ में एक ऐसा फिगर मैं साथ में दे रहा हूँ, एक ऐसा अगर मैंने ये ले लिया है, चलो बराबर ऐसा लिया है, समझना, थोड़ा सा टेढ़ा लिया है पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, तो क्या ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। और अगर कर रही है तो आप मुझे बताएंगे कि उनका सेम बेस कौन सा है और उनका सेम पैरेलल कौन सा है, ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों याद करना, उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके ऊपर से आप इसका आंसर भी निकाल पाओगे, आपको अच्छी तरीके से रिकैप भी हो जाएगा बराबर। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जरा लिख लीजिए, क्या टू फिगर्स आर सेड टू बी, आर सेड टू बी ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम, माफ कीजिए, द सेम बेस, टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल। कब होगा ऐसा, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, इफ़, अब समझना, इफ़ दे हैव, पहली कंडीशन इफ़ दे हैव कॉमन बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ दे हैव कॉमन बेस, वी कैन से कॉमन बेस और वी कैन से साइड, क्लियर, कॉमन बेस। एंड सेकंड कंडीशन एंड द वर्टाइसिस, वर्टाइसिस क्या होती है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, एंड वर्टाइसिस ऑपोजिट टू द कॉमन बेस, द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर, ऑफ ईच फिगर लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, अ लाइन पैरेलल टू द बेस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्या है टू फिगर, मैंने जो बताया था वो ये, टू फिगर आर सेड टू बी सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। कब कहा जाएगा सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, जब उनके पास एक कॉमन बेस हो और उनकी वर्टाइसिस जो है वो हमारे कॉमन बेस के सामने की साइड जो बन रही है वो, यानी कि इस साइड वाली और ऊपर वाली और नीचे वाली, जो पीछे की साइड था ना कॉमन बेस था उसके ऊपर वाली, उसके साथ क्या हो पैरेलल हो। जैसे कि देखिए ये कॉमन बेस था, यहाँ पे देखिए ये कॉमन बेस था, तो कॉमन बेस के सामने की इस साइड वाली, तो ये उसका पैरेलल लाइन हुआ, यानी कि लाइन जो है वो दो पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल, माफ कीजिए, हमारी जो दोनों फिगर है वो दो पैरेलल के बीच में होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में होनी चाहिए और साथ ही साथ में दोनों सेम बेस के ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है।
उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ओके, सो बच्चों इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से याद रखना। अगले लेक्चर के अंदर हमें दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है, इस लेक्चर के अंदर भी इस प्रॉपर्टी को रखते हैं। ओके, अच्छी तरीके, इसलिए मैं शॉर्ट में प्रॉपर्टी इसलिए समझा रहा हूँ सारी प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपको प्रॉपरली डिटेल में सब कुछ पता चले विद फिगर। ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको टेंथ में बहुत सी हेल्प करेगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का जब हम कॉन्ग्रीजी के जब भी हम रूल अप्लाई करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम में आएगी। ओके, सारी चीज़ों को बच्चों अच्छी तरीके से लर्न करना है और लिखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।